हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नन्ना कवि में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए। तो देखते हैं नन्ना कवि, जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार क्लास 9, 10, 11, 12 सभी में पूछे जाते हैं। ये भाग दो है। इस भाग एक में हमने पढ़ा था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के भी तीन भाग होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है जो अर्थालंकार का जो भाग है। अलंकार के जो दो प्रकार थे हमारे, शब्दालंकार अर्थालंकार, तो शब्दालंकार के भी तीन प्रकार थे, वो तो हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिए थे। जिस भी ने वह वीडियो नहीं देखी हो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, भाग एक को। तो भाग दो की बात करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। उसमें हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी जैसे शब्दालंकार के तीन भेद होते थे, ऐसे ही अर्थालंकार के भी तीन भेद हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जहाँ काव्य में को अर्थ के अनुसार चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्था अलंकार होता है माना जाता है। जहाँ काव्य में अर्थ के अनुसार चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्था अलंकार माना जाता है। अब बात करते हैं अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो ये हमारे अर्थालंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अब इन्हें इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है, उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। उपमा अलंकार जहाँ मिस उपमा अलंकार वह होता है जहाँ पर किसी वस्तु की या व्यक्ति की अन्य किसी वस्तु से गुण, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर जो समानता प्रकट की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसमें बताया गया कि किसी भी वस्तु की अन्य किसी वस्तु से उसके गुण, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर जो उसमें समानता प्रकट की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण क्या है इसका। हाँ, उदाहरण की तरफ चलते हैं, हरिपद कोमल कमल से। यह इसका उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण, इन पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ पर ये कृष्ण लिखा हुआ है, यहाँ पर विष्णु आएगा, विष्णु। तो इन पंक्तियों में भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी के चरणों की तुलना कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। बात करते हैं दूसरे अलंकार की, जो हमारा दूसरा है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में भी इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद न रखकर रूपता बताई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद न रखकर एक रूपता बताई जाती है, ये एक अलग है, रूपता अलग है। एक रूपता बताई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, चरण कमल बांधो हरि राई। ये इसका उदाहरण है, चरण कमल बांधो हरि राई। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों को कमल के समान कोमल बताया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। मैंने जैसे कि अभी आपको हमने इसके अर्थ में पढ़ा था, यहाँ पर एक रूपता बताई जाती है, रूपता में समान बताया जाता है। तो यहाँ पर चरण कमल बांधो हरि राई, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना जो है कमल से की गई है, उन्हें कमल के समान कोमल बताया है। अगला हमारा जो अलंकार है, तीसरा जो इसका एंड टॉपिक है, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है,
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका, उदाहरण क्या है और उसका स्पष्टीकरण। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं इसे, सोहत सोहत ओढ़े पीटू पठू, श्याम गलोने सलोने गात, मनो नील मनी सैल पर आपतु पर्यो प्रभात। स्पष्टीकरण, यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलगिरी पर्वत पर प्रातः समय की धूप पड़ रही हो। यहाँ बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए हैं। कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र पहने हुए हैं, जो इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी जो पर्वत है उस पर प्रातः समय मिस सवेरे की धूप, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, चैनल नेम नन्ना कवि को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।